टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू फ्रेम मल्टीप्लिकेशन वर्ड प्रॉब्लम एक्टिविटी 9 पेज नंबर 8080 क्वेश्चन नंबर 1। हमने पहले भी प्रॉब्लम सम किए हैं, उसमें मैंने आपको ईच वर्ड बताया था। ईच का मतलब वन, अ का मतलब भी वन होता है और पर का मतलब भी वन होता है। इट मीन्स जब भी हम क्वेश्चन रीड करेंगे उसमें ये चेक कर लेंगे कि ए और ईच और एन वर्ड कहाँ से स्टार्ट है, वहीं से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा जो सॉल्यूशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। देयर आर 7 डेज इन अ वीक, हाउ मैनी डेज आर देयर इन 11 वीक्स। वन वीक में 7 डेज है और हमने फाइंड आउट करना है कि 11 वीक में कितने डेज होंगे। इट मीन्स मैंने अभी आपको बताया ना, ए एन और पर ईच, जहाँ पे ये वर्ड होंगे वहीं से स्टार्ट होगा। अ वीक, इट मीन्स कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए हमारा क्वेश्चन, अ से। अ का मतलब वन, तो इट मीन्स हम जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो वन वीक से स्टार्ट करेंगे। तो आंसर देखो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का, वन वीक में कितने डेज हैं, हाउ मेनी डेज इन वन वीक। वन वीक इक्वल टू 7 डेज गिवन है हमारे पास, और 11th वीक का फाइंड आउट करना है। 11 वीक, वीक के नीचे वीक आना चाहिए आपका। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 11, 11 का टेबल 7 तक पढ़ सकते हैं हम। 11 7 77 डेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। रीटा हैज 8 पैकेट्स ऑफ पेंसिल्स, ईच पैकेट हैज़ 10 पेंसिल्स, हाउ मैनी पेंसिल्स आर देयर इन ऑल। रीटा के पास 8 पैकेट्स हैं पेंसिल के, वन पैकेट में 10 पेंसिल्स हैं, तो हमने फाइंड आउट करना है कि 8 पैकेट्स में कितनी पेंसिल्स हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ईच वर्ड दिया ना हमारे पास, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। ईच के बाद क्या वर्ड है, पैकेट, तो वन पैकेट से स्टार्ट करेंगे। वन पैकेट इक्वल टू 10 पेंसिल्स, राइट। अब पैकेट के नीचे पैकेट है, कितने पैकेट्स में फाइंड आउट करना है हमने, 8 पैकेट्स में। तो वन पैकेट के नीचे क्या लिखेंगे, 8 पैकेट्स। 8 पैकेट्स इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 8। अब 10 का टेबल 8 तक पढ़ोगे तो क्या आ जाना है, 10 एट जा 80 पेंसिल्स। 8 पैकेट्स में कितनी पेंसिल्स है, 80 पेंसिल्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कलेक्शन ऑफ 22 टैडी बियर्स, और टैडी बियर्स हैज 4 लेग्स, हाउ मैनी लेग्स विल 22 टैडी बियर हैव। रोहन के पास कितने टैडी बियर्स हैं, 22। वन टैडी बियर की कितनी लेग्स हैं, 4 लेग्स। तो हमने फाइंड आउट करना है कि 22 टैडी बियर की कितनी लेग्स होंगी, तो हम स्टार्ट करेंगे वन टैडी बियर से। ओके, अ टैडी बियर लिखा है तो वन से स्टार्ट करो। वन टैडी बियर इक्वल टू 4 लेग्स, वन टैडी बियर की कितनी लेग्स है, 4 लेग्स। और 22 की हमने फाइंड आउट करनी है, तो वन के नीचे क्या लिख दोगे, 22। 22 टैडी बियर इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई बाय 4। आप 4 का टेबल पहले 2 तक पढ़ोगे, 4 टू जा 8, फिर से 4 टू जा 8, तो टोटल लेग्स कितनी होगी उसकी, 88 लेग्स। 4। माई शर्ट हैज 8 बटन, हाउ मैनी बटन्स विल बी देयर इन 11 सच शर्ट्स। वन शर्ट की 8 बटन्स है, ठीक है, तो 11 शर्ट्स की हमने फाइंड आउट करनी है। तो वन शर्ट से स्टार्ट करेंगे, वन शर्ट इज इक्वल टू 8 बटन्स। 11 शर्ट्स इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 8। अब 11 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है हमने, 8 तक। 11 एट जा 88 बटन्स, राइट। एक्टिविटी 9 जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। आपने ये जो सम है वो नोटबुक पे करने हैं, जो प्रॉब्लम सम है वो सभी नोटबुक पे करने हैं आपने, ठीक है, राइट। तो डू कंप्लीट पेज नंबर 80 ऑन योर मैथ्स नोटबुक। ओके, हैव अ नाइस डे।